गाइस यार ये है माचिस और इस माचिस से मैं अभी कमाल धमाल का रॉकेट बनाने वाला हूँ। तो गाइस जब मैं सिंपली रॉकेट बनाने के लिए इसके अंदर से एक माचिस का तेल निकालूंगा कुछ इस तरह का और फिर गाइस जब मुझे इसमें से इस चीज़ को काट के अलग करना होगा। तो चलिए मैं इसे काट के अलग करता हूँ इस चीज़ को गाइस यार। अब गाइस यार ये कट चुका है तो अब गाइस यार मुझे चाहिए होगा एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर लूँगा। चलिए मैं इसे कट करता हूँ। कट कर लेना है और गाइस यार फिर इस कटे हुए माचिस की तीली को कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देना है और फिर गाइस यार इस तरह से छोटा पतला रॉड लेना है और कुछ इस तरह से दोनों को सटा के इस तरह से रख लेना है और फिर इस एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह से गाइस यार मैं इसे रोल करते चला जाऊँगा इस तरह से रोल हो चुका है। अब गाइस यार मैं इसके छोर को कुछ इस तरह से बैंड कर दूंगा इस तरह से। अब गाइस यार ये हमारा मिनी रॉकेट बनके तैयार है। चलिए अब मैं इसे जला के दिखाता हूँ और फिर आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। और गाइस यार अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए कर दिया। इसलिए अब मैं इस मिनी रॉकेट को उड़ा के तो गाइस यार इस मिनी रॉकेट को उड़ाने के लिए मैं सिंपली माचिस के खाली डब्बे ले लूँगा कुछ इस तरह का एकदम खाली। अब गाइस यार मैं सिंपली इसे कुछ इस तरह से फंसा दूँगा जी यार। अब ये हमारा मिनी रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए अब मैं इसे उड़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से उड़ता है। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ कि माचिस का बना हुआ ये रॉकेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह का और एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।